हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं व्लॉग शूट डोसे का। और ये आया खाना हो गया। मैं बोलूं हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं डोसा। तो आइए जानते हैं कि उसमें क्या-क्या रेसिपी लगती है। मम्मी बताओ क्या-क्या रेसिपी लगती है इसमें। इसमें जैसे 7-8 लोगों के लिए बनाना होता है, 2 कटोरी चावल, नॉर्मल चावल है, और 1 कटोरी उड़द की दाल, थोड़ा सा चना दाल, और 1 चम्मच मेथी दाल, और इनको इकट्ठे भी करवा देना 7-8 घंटे के लिए। मेथी को अलग चिकानी है, इसका कलर छूटता है येलो। मेथी को अलग दिखाना है, मेथी को इसमें नहीं डालना। कितने घंटे के लिए भिगाना है इन्हें? 7-8। तू पहले सो जा, तेरे को नींद आ रही है ना। ऐसे लग रहा है मेरी आंख में अंजना आ रहा है। आप में अंजना आ रहा है? हां, गाल में कंघी से जा, कंघी से झाड़ क्या। सुबह तो दोबारा हो गया। हां, कंघी से झाड़ लेना, देख ले। नाना, इन्होंने स्टार्ट कर दिया है दोनों ने। डोसा नहीं, सांभर बना रहे हैं अभी। अभी सांभर बना रहे हैं। डोसा नहीं, अभी सांभर। ये मधु आलू पीस दिए। अरे पराठे जम गया मधु, आलू पीछे पर आलू जम गया। क्यों रखते हो फ्रिज में आलू? ये इन्होंने मेरे लिए काढ़ा रखा है कि काढ़ा पी ले, काढ़ा पी ले। तो मैं ये देखिए, मम्मी सांभर तैयार कर रही है। डाल रही हूँ, क्या बोलते हैं इसको, राई बोलते हैं क्या बोलते हैं? राई डाल रही मम्मी सांभर के लिए। कड़ी पत्ता बोलो। वो देखिए, ये अनट्रेंड शेफ ये देखिए। मम्मी अब क्या डाला? हरी मिर्च, प्याज, हरी मिर्च, प्याज, कड़ी पत्ता। जब आप साथ में हेल्पर है तो आप ज्ञान न है पहले, कृपया करके प्लीज। आप अपना आलू पीसे चुपचाप से, मम्मी को करने दे। ये हमने अभी स्टार्ट किया है डोसा बनाना, तो सांभर बन रहा है। दे, हमारा होटल स्टार्ट भी नहीं हुआ। ये देखिए, खाने के लिए आ गया है ग्राहक, बहुत जल्दी। ये देखिए, ये भी आ गया है स्पोर्ट बॉय। स्पोर्ट बॉय क्या होता है? स्पोर्ट बॉय आ गया है, स्पोर्ट बॉय आ गया हमारा। तो गाइस, इन्होंने स्टार्ट किया है सांभर, अभी तक यहीं तक पहुंचे हैं। ये देखिए, ये शुभम कह रहा पास से देखा, पास से। ये देखिए दाल मम्मी ने कर दी है, देखने में बहुत टेस्टी लग रही है। ये मम्मी सब्जियां भी आगे कट के मम्मी डाल रही है अभी। अब चलते हैं हम मम्मी के हेल्पर के पास। ए, हट रहे। मम्मी का हेल्पर जाता हुआ कहीं कहीं को पैदे के पीछे छुपा हुआ है। हाँ जी पापा, क्या बोलना चाहोगे आप? सांभर बन रहा है, सेंड बार नहीं सांभर, देखेंगे कि किसको सेंड करना है। सेंड बार नहीं सांभर, सांभर ही बोला मैंने। आपने सैंड पर बोला, सैंड पर तू बोल रहा है, सांभर बोला मैंने। ये देखिए, और ये साइड में मैं, ये दे हम सेम। देखिए जिस कलर का स्टैंड है उसी कलर के कपड़े पहने मैंने, इसको बोलते हैं मैचिंग। ये देखिए, ये दे मधु और मम्मी किचन में काम करते हैं। बहू आने के बाद भी भांडे धोते हुए मम्मी, और ये बहू नहीं। तो जिस टाइम मैं नहीं आया उस टाइम तो आप कर सकते थे ना। इसको हम काट देंगे, इसको हम काट, इसको कटिंग कर देंगे इस सीन की। एडिटर थे जो कि हम ही हैं। कमेंट तो कर सकते हैं, हम ब्लॉक कर देंगे। हम कमेंट को हाइड कर सकते हैं, कमेंट हाइड। चैनल भी हमारे पास है। अब मधु बना रही है डोसे का मसाला। मैंने बना दिया है सांभर। ओहो, मधु बना रहे डोसे का मसाला। मधु अपनी शक्ल नहीं दिखा रही है, ऐसा क्या गम है जो छुपा रहे हो? मम्मी ने नारियल की चटनी के लिए नारियल फाड़ना स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए ब्लॉगर के घर में ब्लॉगर, नारियल काटते हुए, छीलते हुए नारियल चल रही है मम्मी। और ये ब्लॉगर के घर में ब्लॉगर, ब्लॉगर के घर में ब्लॉगर, क्या हाल है ब्लॉगर भाई साहब, कैसे हो? चलिए हटिए, निकलिए बाबा। ये मम्मी अब नारियल काट के ये मिक्सर के इसमें डालेंगे,
फिर नारियल की चटनी बनेगी हमारी। बन गई है यार नारियल की चटनी मम्मी की। तड़का तुम बेइज्जती करा दे, तो जैसे ही मैं बोल रहा बनी बनी नहीं बनी। मम्मी ने देखे लाल मिर्चे भून के डाल दिया, कड़ी पत्ता हट गया जी, मम्मी हट। अभी मम्मी ने डाल दिया नारियल की चटनी में, वाह ये नारियल की चटनी होगी रेडी। और साइड में रखा है हमने डोसे का मसाला और सांभर भी हमारा यहाँ बन चुका है। हाँ जी कुछ बोलना चाहोगे आप? अभी मैं खोल रही इसको। अभी मम्मी खोल रही है इसको, ये देखिए सांभर। सांभर बना दिया है। ये देखिए मधु तो सुबह के खाने की तैयारी भी अभी से कर लेती है क्योंकि उसको पापा का पता है। ये सुबह के खाने की तैयारी अभी से मधु कर लेती है। मम्मी सांभर रेडी, इसमें वो भी डालना धनिया। धनिया तो डाला ही नहीं सांभर में, अभी डालूंगी, अभी डालूंगी। मम्मी ये क्या है? ये डोसे का है। मम्मी कह रही अभी रुक जा, वीडियो मत बना। मम्मी थोड़ा लगता तैयार होके आएगी अभी। नमक ढूंढ रहे हैं, नमक ही घुमा दिया घर के अंदर। ये देखिए सब मम्मी ने गिन लिया, नारियल की चटनी, प्याज, डोसे का मसाला, ये देखिए सब चीजें, नमक रख दिया मम्मी ने। मैं सारे आ रहे हैं पर मैं नहीं आ रहा, मैं भी आऊंगा। ये देखिए ये रहा मैं इधर। हेलो टिकटॉकर, चल बाबे ये फुल फुल मास्टर सर। 80 रुपए, 80 रुपए डोसा, 80 रुपए डोसा, 80 रुपए डोसा, 80 रुपए डोसा। फिर अपन ना गुल्लू माजरा में दुकान वाली जगह में ना वो ले लेना, ये ऊपर खोल रहे आशा का ढाबा फुल चलेगा। थोड़ा ये डोसा गोल नहीं बना, परौंठा बना दो आलू का, फिर इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये घास जैसे कहते तेरे को उम्मीद करो तो नहीं होता। जीरा कहते हैं, लिमका इनको, लिमका और ड्यू में फर्क नहीं होता। उसको बहुत पसंद है मधु को, अच्छी होती है। ये दोनों के बीच में ड्यू को लेके बहस होते है। अब मुझे लग रहा है मधु इसके, मैं लेके आया, मैंने कहा नहीं यार गलत है। ये मधु से बहस करके मुझे लग रहा है गलती कर रहा है मधु ने, कच्ची निकाल ली वहाँ से। अच्छे बजेगी भाई, अपना अपना टेस्ट है। वो देखिए क्या बात है, डोसा उठ गया एकदम से। मम्मी डोसा एक जैसे खा पी के मोटा हो गया, उसको कमजोर करो थोड़ा। मम्मी क्या कर रहा, आलू कम कम लगा दिया, ये कंजूसी ऐसे ग्राहकों के साथ करोगे फिर तो देख लो भाई। वो तो हम भी कम लगाते हैं, वो तो लगाते हैं हल्का सा, जरा ऐसे लसा। लो जी, लो जी, ये सीआईडी बोल पड़े उधर से, बर्तन उधर से, वहां से बोल रहे भाई तो धुल रहे से। ये देखिए पास से हम डोसे का व्यू लेते हुए, हम डोसा का मैगी लग रहा जा। नारियल चटनी, ये नारियल की चटनी मम्मी डाल। मम्मी थोड़ी प्लेट थाली तो अच्छी रख लेंदी। चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अब डाल दो, अब डाल दो। हम मैंने वो चांदी की प्लेटें रखी थी, सोना चांदी क्या, चांदी सोना भी ला सकते थे। ये देखिए ये किसके लिए, हाथी घोड़े क्या, ये पापा के लिए आ रहा है। लो लो, ये पापा के मन में लड्डू फूटा। अब पापा टेस्ट करके बताएंगे, हर एक्सपेरिमेंट पापा के ऊपर होता है पहले। ओके की कर रहा है ये पापा, पहला खाते ओ पहले फूक, ओहो ओहो आहा क्या बात है, कहते कट कर। मम्मा कह रहे एक और लूंगा। पापा कुछ बोलना चाहोगे? मम्मी ने बनाया है डोसा, कैसा लगा मेरा डोसा? ओके
अरे हो किसके बताना कैसा लग रहा है खाने में? अच्छा लग रहा है। अच्छा कैसा? मार्केट में अच्छा है। खाके देखा? हाँ खाके देखा, और बिना खाए बता रहा मैं। तो लाओ फिर निकालो, 80 रुपए। 80 रुपए का प्लेट है ये। 80 रुपए का बड़ा मिलता है, छोटा है तो 50 निकाल दो। 5 रुपए वाला है। 5 रुपए वाला डोसे का 5 रुपए का है, 5 रुपए का डोसा। हमारी बारी आ गई है डोसे टेस्ट करने की। दो देखो, दो अच्छे डोसे बड़े, एक ऐसा इसके लिए है भाई, मैं सांभर। अब मेरे लिए डोसा इस बार मम्मी ने सच में बहुत अच्छा बनाया है, मुझे आज तक पसंद नहीं आया था, पर आज आ गया सच में। मार्केट वाली की दाल 80 रुपए प्लेट पर। 80 रुपए प्लेट, अगली मेरे 120 कर देंगे। ए पापा को पसंद आया कि नहीं आया? ठीक ठीक ठीक। अब ये दोनों अभी खाना खाने जा रहे हैं, इनके डोसे भी कंप्लीट हो गए हैं, अब बस ये भी खा रहे हैं। मधु ले रही है अपने लिए नारियल की चटनी। मम्मी हंस रही है, नारियल की चटनी का दिखा। और नारियल की चटनी दिखाने को कह रही है। ये मधु खुश होते है, नारियल की चटनी खाते है। सांभर तो हमने रखा हुआ, चुभा गए सांभर। ये मधु डोसा खाते है, मम्मी उसको भी डोसा देके गई है। और पहले हो गया था। कितनी खुश हो रही है डोसा। अच्छा हो रहा था, खुश तो फुल मधु डोसा खाते है। ये डोसा बनाने के बाद ऐसी हालत हो गई है किचन की, जो कि आप ये जिस मम्मी ने डोसा बनाया तो मम्मी खाना खा रही है। मम्मी कैसे लग रहे खुद के बनाए हुए डोसे? बस ठीक है। अच्छे गाइज, अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। बाय।